सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप टीम इंडिया की जीत की खुशी में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय टीम ने आयरलैंड को 143 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इस जीत में इंडिया के धांसु बल्लेबाज सुरेश रैना ने जबरदस्त पारी खेली। रैना के अलावा टीम इंडिया के युवा बेहतरीन बल्लेबाज लोकेश राहुल अपनी बल्लेबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय टीम में खेलने के लिए मौका मिल जाता है। इसके साथ ही राहुल साल 2018 में अब तक एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हम आपको बता दें कि लोकेश राहुल के लिए साल 2018 अभी तक बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में भी राहुल ने अपने बल्ले से विपक्षी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। इसके अलावा उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में लोकेश राहुल को टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिला और इस दौरान उन्होंने उस मौके को बखूबी निभाया, क्योंकि उन्होंने उस मैच में 36 गेंदों पर शानदार 70 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि लोकेश राहुल साल 2018 में T20 क्रिकेट में अभी तक 700 से अधिक रन बना चुके हैं और इस दौरान लोकेश राहुल का स्ट्राइक रेट 150 से अधिक जबकि औसत भी 50 का रहा है और ऐसा करने वाले राहुल इस साल दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपके अनुसार क्या लोकेश राहुल T20 में 2000 रन पूरा कर पाएंगे? आप अपने विचार कमेंट जरूर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।